पता है कि साइज इज वेरी थिक, तो हमें बनाने से के लिए क्या चाहिए, एकदम थिन स्लाइस सो दैट इजीली कैन बी फ्राइड. कैन आई हैव हैमर फ्रॉम इनसाइड? श्योर शेफ, वी कॉल इट मैलेट. व्हाट वी मैलेट शेफ, ठीक है, ये हमने फ्लैट कर लिया और ये ठीक है, राइट. नाउ अब थोड़ा सा इसको फ्लैटन करेंगे, ठीक है. आई ऑलवेज यूज डस्टर और एनी क्लिंग फॉइल, जिससे कि क्या होगा, ये क्या होता है, व्हाट इज द रीजन, मेटल, ये फटेगा नहीं चिकन ना, कि वो नहीं निकलेंगे. टू फ्लैटन द चिकन, राइट. अगर मैं डायरेक्ट मारूंगा ना तो इसके थ्रेड्स निकल जाएंगे सारे. हंस ले तू पहले. अब ये हमारा चिकन बिल्कुल फ्लैटन हो गया है. अब इसमें सॉल्ट, पेपर और थोड़ा गार्लिक लगा देंगे, जस्ट टू हैव द यस टेस्ट एंड फ्लेवर. अब ये हमारे पास क्या है, ब्रेड क्रम्ब. इसी में मैं क्या करूंगा, पार्मिजान डाल दूंगा, ठीक है. ये मैंने पार्मिजान डाल दिया, और नहीं पार्मिजान तो हम प्रॉपर इसको मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं. इस पर ब्लैक ब्रेड, ब्लैक पेपर डाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, ठीक है. इट्स नॉट इंडियन स्टाइल के हमें सारा पूरा मैरिनेशन करना है. नमक डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया, ठीक है. हल्का सा इसमें गार्लिक डाला, ठीक है. अब इसको हम इसमें डालेंगे, डिप करेंगे बैटर में. कुछ नहीं, अंडा है सिर्फ, चाहे तो इसको भी आप सीजन कर सकते हो. इसके बाद रिफाइंड फ्लावर, गिव मी द फ्लावर, यहाँ निकाल दो, पूरा ख़राब हो जाएगा ना, इसलिए मैं कम कह रहा था, ठीक है. डन. वापस से इसको क्या करेंगे, डिप. इससे कोटिंग अच्छी आती है. ठीक है, अब ये डाल दिया हमने क्रम में, अब इसको हम करेंगे क्रम. क्रम अच्छे से करना है, गुड. पार्मिजान अगर और चाहिए तो और भी बहुत सारा पार्मिजान, पार्मिजान का ही टेस्ट है इसमें, बिकॉज मिलाने से इज ऑल अबाउट. अब ये देखो, दो पीसेस हो गए, वन इंटू टू, राइट. वी ऑलवेज डू द पैटर्न, जिससे कि ब्रेड क्रम से ऑयल खराब ना हो, राइट. अब इतना बड़ा पीस हो गया, यू डोंट, वी कैन फ्राई इट द सेम पीस, बट इट्स बेटर इफ वी कट इनटू टू पीसेस, राइट. आई विल कट इनटू टू पार्ट, राइट. अब ये अलग अलग एक पोर्शन हो गया कंप्लीट, राइट. दिस इज डन, नाउ वी गोइंग टू फ्राई इट. टेम्परेचर बिल्कुल ज्यादा नहीं चाहिए इसके लिए, तेल का टेम्परेचर जो है एकदम मीडियम होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगा तो क्या होगा, इट विल गेट कलर फ्रॉम आउटसाइड एंड इट विल रिमेन अनकुक फ्रॉम इनसाइड. साइड में आई हैव टॉस्ट और यू कैन से ग्लेज ब्रोकली विद मी, सो ब्रोकली गो विल go with this milanese and I have even the potato preparation. Color, this is perfect color, right? So I think it's perfectly cooked and we get the color as well. ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा color आया है, so we will use it now. We will give the base of it, right? And I do have with palm salumate, what we call it? What we call it in English? Matchstick potatoes, right? And I have even the broccoli with me. So this is the complete meal. This is Milanese. Now I'll give the base of it, right? Now. You can cut into the pieces, otherwise you can give like that way also. But pieces में काटोगे तो you will get to know whether it is cooked or not. See, this is perfectly cooked and it's juicy as well. You can see, right? I think for a main course, this is enough.
राइट एंड आई डू हैव वेज यस एलुमेट नाउ एलुमेट what we call it in English? Mashed potato. So very crispy and very tasty, right? This is glazed broccoli. And what else? Lemon slice. टोमेटो सॉस इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं और यू कैन सर्व इट विद सॉस आल्सो चिकन मिलानेज़ वेरी क्रिस्पी अभी इसको ऐसे ही खाना है इवन वी कैन सर्व इट विद बर नॉइज़ेट वी कॉल इट व्हाट नट ब्राउन बटर यस बर नॉइज़ेट का नाम सुना है दैट इज सॉस अगेन ब्राउन बटर वी कॉल इट कोई प्रॉब्लम थैंक यू